23 मई 2012 को 11 बजे मेजर चंद्रशेखर सिंह ने एक वायु अनुरक्षण मिशन में जम्मू कश्मीर के लेह जिले में सियाचिन ग्लेशियर की जमी हुई सीमांत सरहद पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वायु अनुरक्षित चौकी पर तैनात सैन्य दल की सहायता के लिए उड़ान भरी। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक उस चौकी पर अत्यावश्यक संभार की आपूर्तियां पहुंचाईं। सैन्य दलों की सहायता करने और सफलतापूर्वक मिशन को पूरा करने के बाद वापसी के समय हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनको प्राणघातक चोटें आईं। मेजर चंद्रशेखर सिंह ने तैनात सैनिकों की सहायता के लिए निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अत्यंत कठिन एवं असुविधाजनक क्षेत्र में अपनी कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और कुशल उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर चंद्रशेखर सिंह की पत्नी श्रीमती आभा सिंह। विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए असम के सिलचर जिले के एक गांव में 23 जून 2012 को लगभग 4:15 बजे आरंभ किए गए ऑपरेशन के दौरान कैप्टन दिनेश कुमार कट्टर विद्रोहियों के ठिकाने झूम झोपड़ी की पहचान करते हुए पहरे पर तैनात विद्रोही को नेस्तनाबूद करने के लिए चुपके से आगे बढ़े। इनकी गतिविधि का पता चलते ही विद्रोही ने नज़दीक से गोलीबारी आरंभ कर दी। अपने जीवन की परवाह किए बिना इन्होंने अकेले ही विद्रोही पर कार्रवाई की और अंततः उसे मार गिराया। उसी समय दूसरे विद्रोही ने अपना हथियार उठाया और जंगल की ओर भागने लगा। इन्होंने दोबारा स्वयं को जोखिम में डालते हुए सशस्त्र विद्रोही का पीछा किया और उसे भी मार गिराया। कैप्टन दिनेश कुमार ने दोनों कट्टर विद्रोहियों का खात्मा करने में अपनी उत्कृष्ट वीरता और अटूट साहस का परिचय दिया। कैप्टन दिनेश कुमार। अगस्त 2012 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर क्षेत्र में 3 खूंखार आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर मेजर मनीष पुंज की टीम ने आतंकवादियों के शरण स्थल को धीरे धीरे घेर लिया। 9 बजे आतंकवादी चुनौती मिलते ही आश्चर्यचकित हो गए और तत्काल उनकी टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। जवाबी गोलीबारी में मेजर मनीष ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद इन्होंने दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा जो इनकी सैन्य टुकड़ियों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था और उसे भी नज़दीक से मौत के घाट उतार दिया। उनके नेतृत्व में टीम ने बाद में तीसरे आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया। मेजर मनीष पुंज ने आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच असाधारण नेतृत्व गुण, प्रवीणता और अदम्य साहस का परिचय दिया। मेजर मनीष पुंज। सितंबर 2012 को लगभग 4:45 बजे नियंत्रण रेखा पर स्थित एक चौकी पर जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के रातवाजी नार की ओर से आतंकवादियों ने स्वचालित हथियार से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। शत्रुओं द्वारा की जा रही गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। नायक राजेश्वर सिंह अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि घुसपैठी घनी झाड़ियों की ओर से चौकी पर गोलीबारी कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और बढ़ते हुए आतंकवादियों की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। इस जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान इनको एक गोली लगी। घायल होने के बावजूद भी इन्होंने लड़ाई जारी रखी जिससे दूसरा आतंकवादी घायल हो गया और इस गोलीबारी में वो शहीद हो गए। नायक राजेश्वर सिंह ने अदम्य धैर्य तथा असाधारण वीरता का परिचय दिया और आतंकवादियों के साथ लड़ाई में राष्ट्र के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वर्गीय नायक राजेश्वर सिंह की पत्नी श्रीमती सबिता देवी।
नायक अनिल कुमार को वास्तविक रेखा पर स्थित एक चौकी पर तैनाती दी गई। 4 सितंबर 2012 को लगभग 4:45 बजे इस चौकी पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रातवाजी नार की तरफ से आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियार से भारी गोलीबारी की गई। शत्रु द्वारा की जा रही गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। नायक अनिल कुमार ने मीडियम मशीन गन से तत्काल जवाबी गोलीबारी आरंभ की। ये जानते हुए भी कि शत्रु चौकी के समीप है, नायक अनिल कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बंकर से मीडियम मशीन गन को निकाला और प्रभावी रूप से शेष आतंकवादियों से मोर्चा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी मारा गया। इस गोलीबारी में इनको भी गोली लगी। घायल होने के बाद भी वो अपने साथियों को शत्रु का मुकाबला करने के लिए कवर फायर देते रहे, जिससे शत्रुओं को खदेड़ने में सफलता मिली। बाद में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। नायक अनिल कुमार ने आतंकवादियों से मुकाबला करने में अत्यधिक साहस, पहल शक्ति और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक अनिल कुमार की पत्नी श्रीमती रंजना कुमारी। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। थैंक यू।